शुभोदय बच्चों, या पांच मिनट हो गए, मैं पूरे जा रहा हूँ पढ़ने के। ओके, ठीक है, अब अच्छी तरह से पढ़कर नोट्स में लिख लेते हो। आज हम पढ़ेंगे पार्ट छह योग के लाभ। पार्ट छह योग के लाभ। बच्चों आपको मालूम है योगा, योगा के बारे में आप बहुत कुछ बता सकते हैं। आप कितने जने हमेशा योगा करते हैं? ओके, वेरी गुड। आप हर रोज कर रहे हैं योगा। योगा करने से आपको मालूम होता है कि उसका उससे लाभ क्या है, नहीं करने से उससे नुकसान क्या है, आपको सब कुछ मालूम है। फिर आज हम इस पाठ के द्वारा योग के बारे में जानकारी लेंगे। इस पाठ का यह उद्देश्य है कि योग का महत्व बताना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द योगा, योगा का इंपॉर्टेंस क्या है, योगा करने से लाभ क्या है, नहीं करने से उसका नुकसान क्या है, हम इस पाठ के द्वारा मालूम होता है। देखो बच्चों, योग का महत्व इस पाठ के द्वारा हम सीख सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। स्वास्थ्य मतलब तंदुरुस्त, सेहत के बारे में भी हम जानकारी कर सकते हैं। नियमितता, नियमित मीन्स रेगुलरिटी, नियम से रहना। दृढ़ता के गुण अपनाना, दृढ़ता के गुण अपनाना। ये सब गुण कब आता है हमें? जब हमें योगा करना सीखते हैं, योगा का आदत, योगा करना आदत कर लेते हैं, तभी यह हमें अपनाता है। समझ में आया बच्चों? इसलिए हम हमेशा हर रोज योगा करना चाहिए। तो हम इस पाठ के द्वारा जानकारी करेंगे योगा करने से क्या होता है, नहीं करने से क्या होता है। देखो इस पाठ में दो बच्चों ने बातचीत कर रहे हैं, एक के बारे में बोल रहे हैं। इस पाठ में वेंकटेश और मणिरत्नम पक्की मित्र थे। वेंकटेश और मणिरत्नम, वेंकटेश और मणिरत्नम, मणिरत्नम पक्के मित्र थे। मीन्स दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों भी एक ही कक्षा में, कक्षा मतलब क्लास। मणिरत्नम और वेंकटेश दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों क्लोज फ्रेंड थे और दोनों भी एक ही कक्षा में, एक ही क्लास में पढ़ते थे। परंतु दोनों में बहुत अंतर था। दोनों एक ही उम्र के बच्चे हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों एक ही क्लास में हैं, लेकिन पढ़ने लिखने में, खेलने में, सेहत में या इस तरह बहुत, उन दोनों में बहुत अंतर दिखाई देते। अंतर मीन्स बहुत फर्क, अंतर मीन्स फर्क। उन दोनों में बहुत अंतर दिखाई देते, बहुत फर्क दिखाई देता है। वेंकटेश बहुत चुस्त था, वेंकटेश बहुत चुस्त था। चुस्त मतलब एक्टिव। वेंकटेश क्लास में जब टीचर पाठ पढ़ाती है तो तुरंत उसका सवालों का जवाब दे देता है, या खेलों में भी वह बहुत चुस्त रहते थे, या किसी काम में वह होशियार है। ओके, बहुत चुस्त था, चा एक्टिव था। वह अपना हर काम समय पर कर लेता था। जब टीचर उसको कोई काम दिया, कोई कार्य दिया, तो वह उस कार्य को, उस काम को समय पर कर देता था। वही मणिरत्नम आलसी था, आलसी मतलब लेजी।
है। इस प्रकार दोनों में बहुत हमें फर्क दिखाई दे रहा है। वह हर काम कर पर डाल देता था, वह हर काम टीचर बोलती है आज से काम करो बोलते मैं टीचर वही काम करूंगा, मैं तो पापा या बोलते उसको कुछ काम या उसको कर पर मोड़ देता था। इस तरह दोनों में बहुत अंतर दिखाई देता था। रविवार का दिन था, रविवार को था बच्चों, रविवार संडे ओके, रविवार का दिन था। रविवार आगे मणिरत्न वेंकटेश के घर उससे मिलने के लिए पहुंचा। कहा तो संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, इसलिए मणिरत्न ने क्या किया, वेंकटेश को मिलने के लिए उसके घर को जाते हैं। उसने देखा कि वेंकटेश दरी पर योगासन कर रहा है। क्या कह रहे हैं, इन्होंने उसको घर पर पहुंचने के बाद वेंकटेश ने उसको उसके घर में एक दरी पर बैठकर योगासन कर रहा है। वेंकटेश ने मणिरत्न से कहा, आओ मणिरत्न तुम भी मेरे साथ योगासन करो। तब वेंकटेश ने उसको देखा तो बोलते हैं मणिरत्न आप भी आ जाओ मेरे साथ बैठकर आप भी योगासन करना शुरू करो। योग से क्या होता है, मणिरत्न ने पूछा है, तू वैसा क्यों बैठा है, इस तरह योगासन करने से क्या होता है, वैसे क्यों बैठे है, आ जाओ मेरे साथ बोलकर मणिरत्न ने बोलता है। योग से हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहता है। वेंकटेश कहता है कि योग करने से क्या होता है, हमारा शरीर, शरीर मतलब बॉडी, शरीर मतलब बॉडी, हमारा शरीर हाउ मन स्वस्थ रहता है, हमारा मन भी बहुत अच्छा रहता है। बोलकर वेंकटेश ने मणिरत्न को समझा रहा है, लेकिन मुझे योग करना अच्छा नहीं लगता। अरे आप बता रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे तो योगासन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बोलकर मणिरत्न कहता है। परंतु मणिरत्न योग करने से शरीर फुर्तीला हो जाता है, यदि तुम प्रतिदिन योग करोगे तो तुम्हारा शरीर भी चुस्त रहेगा। वैसा करना, वैसा नहीं करना मणिरत्न, योग करने से आपका शरीर फुर्तीला बन जाता है, तंदुरुस्त बन जाता है। आप भी क्लास में पहले आने के लिए चॉइस बहुत ज्यादा मिलता है, नहीं तो आप खेलों में सबसे आगे बढ़ने के लिए बहुत चॉइस मिलता है। बोलकर वेंकटेश ने उसको समझा रहा है। प्रतिदिन, प्रतिदिन मीन्स हर रोज, एवरीडे हर रोज आप योगासन करने से आप भी चुस्त बन जाओगे, मणिरत्न बोलकर उन्होंने कहा है। तुम्हारा शरीर भी चुस्त रहेगा, तुम्हारा शरीर भी बहुत एक्टिव बन जाएगा, तुम सभी काम आसानी से और जल्दी से कर पाओगे। वेंकटेश ने बताया देखो मणिरत्न, आप मेरे जैसा आप हर रोज योगासन करें तो आपका शरीर भी बहुत चुस्त बन जाएगा, आप भी समय पर काम पूरा कर सकेंगे, बोलकर वह बता रहा है। ठीक है आज नहीं, मैं बाद में सोचूंगा, पैसा नहीं मिलता, आपने बताया ठीक लगा मुझे, लेकिन मैं आज उनको नहीं करूंगा, मैं कल देखूंगा, कल उसके बारे में मैं सोचूंगा, बोलकर मणिरत्न ने बोल रहा है। वेंकटेश ने समझाते हुए कहा, मणिरत्न योग करने से हमें लाभ ही होता है, नुकसान कुछ नहीं। देखो मणिरत्न, योगासन करने से हमें लाभ, फायदा ही ज्यादा मिलता है, योगासन करने से नुकसान कुछ भी नहीं है।
से ही आप शुरू करो योगा करने का। जो नियमित रूप से योग करता है उसका मन शांत रहता है। जो नियमित, नियमित मतलब रेगुलर, जो रेगुलर योगासन करता है, योगा करता है, उसका शरीर और मन स्वस्थ रहता है, वह हमेशा चुस्त रहता है। हाँ, तनाव भी दूर हो जाता है, तनाव उसके थकावट, तनाव मीन्स थकावट भी दूर हो जाती है, उसका टेंशन दूर हो जाती है, उसका टाइम टाइमनेस भी दूर हो जाता है। उनका वेंकटेश अच्छी तरह से पढ़े तुमको समझा रहा है। इसके अभ्यास से रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके अभ्यास, अभ्यास मतलब एक्सरसाइज, इस तरह हम हर रोज एक्सरसाइज करें तो, हर रोज योगासन करें तो हमें रोगों से क्या करते हैं, रोगों से बचने की हमें शक्ति क्षमता बढ़ती है। पाचन शक्ति और मांसपेशियां मजबूत होती है। पाचन, पाचन मतलब डाइजेस्टिव, पाचन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन शक्ति और मांसपेशियां हमारे हड्डियां भी मजबूत, मजबूत मतलब स्ट्रांग बनती है। मणिरत्न ने कहा, वह योग तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, पर योग कब और कैसे करना चाहिए? वेंकटेश आपने इतना अच्छा बताया है, लेकिन इसको कब करना चाहिए? वेंकटेश ने कहा, योग के कुछ नियम हैं। योग जब करना पड़ेगा तब नहीं, योग के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। इसका पालन करने से हमें योग का लाभ ले सकते हैं। इन्हें ध्यान से सुनो और याद रखो। देखो, इस प्रकार आप योग करने का कुछ नियम रखें तो आपके उसका हमें उससे बहुत लाभ मिलेंगे। योग हमेशा सुबह के समय अथवा शाम के समय करना चाहिए। देखो मैंने बताया, आप अगर योग योगासन करना चाहें तो योग हमेशा हमेशा सुबह, सुबह मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय करना चाहिए, और शाम के समय, शाम मतलब इवनिंग, इवनिंग के समय करना चाहिए। योग खाली पेटी करना चाहिए, योग खाली पेटी करना चाहिए मतलब योग करने से पहले आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, योग करने से पहले आप कुछ नहीं खाना चाहिए। योग करते समय आरामदायक सूती कपड़े पहनना चाहिए। योग करते समय हम आरामदायक सूती मतलब काटन, काटन से बने हुए कपड़े पहनना चाहिए। योग करते समय मन को प्रसन्न रखना चाहिए। योग करते समय हमारे मन को प्रसन्न रखना चाहिए, शांत से रखना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन से हम योग करना चाहिए। योग हमेशा स्वच्छ, शांत और खुले स्थान पर ही करना चाहिए। योग हमेशा स्वच्छ अच्छी जगह पर रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए मतलब वहां आप जो योगासन कर रहे हैं उसकी ओर किसी तरह के शोर मचाना नहीं चाहिए, कोलाहल नहीं होना चाहिए। योग के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। योग के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए कि समय नहीं पूरा करना चाहिए, धीरे धीरे योगासन को बढ़ाना चाहिए। मणिरत्न बोला, ठीक है मैं समझ गया, चलो मैं आज से ही योगा शुरू करता हूँ। ठीक है वेंकटेश, बहुत अच्छी बात है, मुझे बताई दिया है, मैं आज से ही आपके साथ बैठकर ही मैं योगासन करना सीख जाता हूँ बोलकर उन्होंने वेंकटेश से कहता है। इस तरह बच्चों हम योगा करने से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, हम किसी तरह की बीमारी से हम